Hey guys, good evening and welcome back to my vlog. और आज है ऑफिशियली दिल्ली में हमारा लास्ट डे और लद्दाख ट्रिप का हमारा लास्ट डे. तो कल हमारा ट्रेन है मालदा के लिए. और आज मैंने क्या पहना है, क्या पहना है? तो मैंने ये पैंट पहना है एंड ये शर्ट. ये शर्ट बेसिकली आकाश का है. उसने खरीदा था बट उसका छोटा हो गया. अब इसका क्या ही करे. तो मैंने सोचा मेरे पास वही एक ब्लैक टॉप है तो क्यों ना मैं पहन लूँ. एंड पहनने के बाद ट्रस्ट मी अभी मैं लड़का दिख रही हूँ. मतलब ये सिंदूर और ये शाखा पाला नहीं होता ना तो मुझे लड़का ही लग रहा है. तो चलो आज हम जाएंगे सीपी यानी कैन नॉट प्लेस और देखते हैं उधर क्या क्या मिलता है, क्या करते हैं हम. सो लेट्स गो. जा रहे कैन नॉट प्लेस सिटी का पालिका बाजार. उधर जो मार्केट रहता है ना उसका नाम पालिका बाजार है. और हमारे होटल से मतलब न्यू दिल्ली स्टेशन की जो एंट्री पॉइंट है यहाँ से सिपी का ऑटो का जो फेयर है वो है 150. और हमने बार्गेनिंग करके उसको 120 करा है. मेट्रो से भी जा सकते हैं बट बहुत फिर भी तो ऑटो करके मेट्रो स्टेशन, फिर मेट्रो स्टेशन से टिकट लेके वो जाना पड़ता है. तो हमने सोचा डायरेक्ट ऑटो ले लेते हैं. तो हमें ऑटो वाले ने उस तरफ उतार दिया, बोल रहा इधर ही है. मतलब ये तो भाई 120 वाला तो नहीं था ऑटो की सवारी. हम जा पा रहे हैं जा रहे हैं. तो उस साइड से अभी आए, रास्ता क्रॉस करके इस साइड अब इधर ही घूमते देखते हैं कुछ मिलता है या नहीं, क्योंकि ये सब बहुत महंगा महंगा है. सबका हालत खराब गर्मी में. यहाँ पे एक साइड पे आपको ब्रांडेड मॉल्स वगैरह शॉपिंग करने के लिए मिल जाएगा और इसी जगह पे दूसरी साइड मतलब ऐसे रास्ते पे आपको सस्ता वाला चीज़ें मिल जाएगी. सब मुझे देख रहे हैं, मुझे शर्म आ रही है. मैं तो ठहरी इंट्रोवर्ट और इतना ज़्यादा शर्म आती है ना, मतलब मैं ब्लॉक कर रही हूँ ऐसे और लोग देख रहे हैं तो मुझे बहुत शर्म आ रही है. थोड़ा और फील हो रहा है. तो इतना दूर है पलिका बाज़ार और हमें ऑटो वाले ने कहाँ पे उतार दिया और 100 रुपये ले लिया. तो इधर जगह जगह पे शूटिंग चल रही है. एक दो उधर, एक तीन इधर. तो बहुत बड़ा वाला हो रहा है. तो चलो चलते पलिका बाजार के अंदर. इसके अंदर आने के लिए आपको चेकिंग भी करवाना पड़ता है. पूरा एयरपोर्ट वाला चेकिंग हुआ. काइंड ऑफ सीम पार्क मॉल, अंडरग्राउंड सीम पार्क ना. अरे श्रीराम मार्केट प्लेनेट में है जो. तो लड़कियों का भी मिल रहा है बट ज़्यादा तो लड़कों का ही है. मैं सोच रही हूँ कि एक ब्रूनो के लिए लेते हैं. कौन सा वाला लूँ, ये वाला? तो हम आ चुके हैं इससे बाहर. फिर बाहर एक्सप्लोर करते हैं. पूरा फेक शूटिंग चल रही है. द म्यूजियम
किचन ना तो हम दोनों अभी बस एक्सप्लोर करने के लिए जा रहे हैं खादी इंडिया। मिट्टी का तावा, मिट्टी का वाटर बॉटल, बस हम लेके नहीं जा सकते वरना हम इधर से शॉपिंग कर लेते। दे ओनली 250 रुपीज़ में। ये देखो कितना सारा बॉडी सोप, ये सब ऑयल भी है। था ग्रोसरीज और ऊपर है गारमेंट्स, की बोल रहे हैं साड़ी, ये बोल रहा है अगर मैंने साड़ी खरीदा तो ये खरीद के देगा, ये स्कार्फ है। तो हमने बहुत सोचा कि कहाँ जाए शॉपिंग करने के बाद, हम इधर ही एक कैफ़े में आए हैं अभी, इधर ही खाना वाना खाते हैं क्योंकि जामा मस्जिद जाएंगे तो फिर बहुत पैसा मांग रहे हैं ऑटो वाले, और मेट्रो से जाएंगे तो अभी तो बहुत भीड़ होने वाली है, तो अभी देखते ही हैं। हाँ 8 बज चुका है। तो घूमते घूमते हम पहुंच गए एक पब में। अब एक महीने से तो हमने ज़्यादा अच्छा खाना कुछ खाए नहीं थे, तो इसलिए हमने सोचा कि चलो इधर एक कबाब प्लेटर ऑर्डर कर देते, और फिर हमने इधर बिल करवा दिया 3,000 रुपये। पब से लौटते समय हमने इस बंदे की एक जबरदस्त परफॉर्मेंस देखी है। अब आप लोग तो इन्हें पहचानते ही हो, इस बंदे का नाम है वरुण और ये गया था इंडियाज बेस्ट डांसर सीजन 2 में। तो हम खाना वाना खा के अभी ले लिए हैं ऑटो और जाएंगे होटल वापस, तो कल सुबह भी बहुत काम है, बाइक को रखना है स्टेशन पे, वो भी लेट्स गो। तो चलो इसी के साथ करते इस व्लॉग को दी एंड, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, और तब तक इस वीडियो को कर दो थोड़ा सा शेयर क्योंकि रीच जो है ना, व्यूज जो है ना, वो तो भाई गिर चुका है। दिल्ली में ना ये एक चीज़ जो है ना, ये बहुत ही प्लस पॉइंट है कि आप ऑटो टोटो इधर सब में भी आप ऑनलाइन कर सकते हो।